नमस्कार भाई साहब। भाभी जी, भाभी जी के होंठ तो देखो भाई साहब, ससुरा कितने रसीले हैं। भाभी जी, आपके होंठ में इतना रस आता कहाँ से है? बता तो दो भाभी जी। अरे बताइए ना। नाराज हो गई भाभी जी? चलो ठीक है, मत बताओ। तो हाँ भाई साहब, भाभी जी की तो हम वैसे भी लेकर रहेंगे। प्रॉपर्टी भाई साहब, घबराइए मत, अभी तो हमसे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी तो मैं लेकर ही रहूंगा। क्योंकि जरूरी नहीं जो मैं कमिटमेंट करूं उसे पूरा भी करूं, कभी कभार कॉम्प्रोमाइज भी कर लेता हूं भाभी जी के साथ। मेरी खोपड़ी सटकी, उससे पहले मेरी बात गौर से सुन। इस मुंबई शहर का हर एक बंदा मुझे पैसा देता है, वो अपने घर वालों को दे या ना दे, पड़ोसी को दे या ना दे, मगर मुझे जरूर देता है। तो बताइए भाई साहब, आपने क्या सोचा, मरना या पैसे देना? चल ठीक है, कल शाम 5 बजे तक मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, वरना भाभी जी के होंठ देखता हूं ना तो ससुरा दिल में कुछ कुछ होने लगता है। अरे भाई साहब घबराइए मत, ये पैसा क्या है, ये तो बस मोह माया है, ये ना तेरा है ना मेरा, ये तो बस वक्त की हेरा फेरी है। तो चलो मैं अब चलता हूं, समझ गए ना? और हाँ याद रहे, कल शाम 5 बजे तक। राम राम भाभी जी।